हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा है उसको यूज़ करके कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल एबीसी और उसी के अंदर एक छोटी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडी और ई। नज़र आ रही है ट्रायंगल्स एबीसी और ट्रायंगल एडीई, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो ट्रायंगल ए डी ई जो छोटी वाली ट्रायंगल्स हैं, इसमें तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं, है ना। ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5 स्क्वायर के बराबर होगा। चेक कर लिया, यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसमें हम लोग कितने रेशियोज निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में? अगर ये एंगल या थीटा है तो हम लोग कितने रेशियो निकाल सकते हैं? चलो, रेशियो निकालने के पहले मैं सारे लिख देता हूँ। पहले सारे फॉर्मूलाज हमारे पास क्या था, साइन थीटा, ये क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, एकदम याद करते चलो, इसको बहुत बहुत ही ज़रूरी है। कॉस थीटा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर क्या होता था हमारे पास, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक थीटा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और टैन का उल्टा कॉट थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारी जो ट्रायंगल है ए डी ई, इसमें हम लोग सारे रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो सारे रेशियोज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। पी हमारे पास कौन सा है, परपेंडिकुलर, या थीटा के सामने परपेंडिकुलर लाइन तो यही है ना, यह हमारा पी होगा। पी कितना हो जाएगा, 4। बेस कितना होगा, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो में हमें सिर्फ नंबर चाहिए होता है। 0.4 मिलीमीटर हो या 40 मिलीमीटर हो, एक ही बात है। बेस हमारे पास क्या है, इस एंगल, यह एंगल किस लाया, किस बेस पे रेस्ट कर रही है, ए डी। ए डी क्या है हमारे पास, 3। और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए ई, वो तो सबको पता है, हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा होगा, 5। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यह कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूस हमारा 5 है। कॉस थीटा ये कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारा 3 है ना। इस तरह से अगर हमें कुछ एक दिया हुआ हो तो दूसरा निकालते चलते हैं। और देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस 5 बाय परपेंडिकुलर 4। सेक थीटा, हाइपोटेन्यूस 5 बटा बेस ए डी 3। कॉट थीटा, बेस 3 है बाय परपेंडिकुलर 4। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस, कोसेक है ना, साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हमने देखा भी था, क्या देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, सॉरी उल्टा देखा था ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, याद आ रहा है, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। अच्छा, नजर नहीं आ रहा है, मैं हट गया। कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। और हमने क्या देखा था, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा 3/5, कॉस थीटा 3/5, सेक थीटा 5/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसका मतलब क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, है ना। जो चीज हमने अभी तक बिना नंबर्स के देखे थे, सिर्फ थ्योरी में देखा था, उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अब। और हमने क्या देखा था, कॉट थीटा
इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वन। इससे क्या आया था हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे रेशियो समय? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया तक? अब इसको एक बार मैं फिर से मिटा दूं, दिमाग में सेट हो ही गया है। अब हम लोग इस बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर सारे रेशियोस निकाले। अच्छा, तो हमें ए बी नहीं पता है ना, ए डी पता है पर ए बी नहीं पता है। तो ए बी सिमिलर ट्रायंगल होंगे, है ना, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियरली दिख रहा है थीटा कॉमन है, यह एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल भी सेम होगा, है ना, यह 90 डिग्री होगा, यह सेम होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका मतलब क्या है, सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम लोग मान सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, अगर मान लो 6 लिया, ए बी को अगर 6 लिया तो बी सी हमें क्या मिल जाएगा, 8, और ए सी क्या मिल जाएगा, 10। ऐसा ही ना होगा, हमारा सारा कुछ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस ट्रायंगल में तब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा बीसी। बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8। बेस क्या है, एबी। एबी कितना हो गया, 6। और हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। एसी हमारा है 10। इसमें अगर साइन थीटा निकाल दिया तो परपेंडिकुलर 8 बाय हाइपोटेन्यूस 10 इज इक्वल टू 4/5, इसके बराबर आया, सेम आ रहा है। यह फायदा होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, साइड की लेंथ कुछ भी हो रेशियो सेम होता है ना। अगर थीटा सेम है तो रेशियो हमारा सेम आएगा। दूसरा चेक करना है कॉस्ट थीटा कितना आएगा, बेस हमारा 6 है, हाइपोटेन्यूस 10 है, 6/10 इज इक्वल टू 3/5 आ गया, मैच हुआ। कॉस्ट थीटा यहाँ है 3/5, कॉस्ट थीटा यहाँ 3/5 आ गया। टेन थीटा भी चेक करना है, अब दो मिल गए तो सारे मिल ही जाएंगे। टेन थीटा का था हमारा P/B, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8, बेस हमारे पास है 6, जो कि हो जाएगा 4/3। देखो यहाँ पे 4/3 मैच हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आइडेंटिटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास क्या क्या थी याद करो, मिटा दो इन सबको मैं, चलो इन सब की हमें जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की हमें जरूरत है। हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरीफाई करके देखना है फिर से, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ट्रायंगल ए डी ई में ही हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस मतलब बेस, बाय हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा है 3, हाइपोटेन्यूस हमारा है 5, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 प्लस 9/25 इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हमारा पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी की आइडेंटिटीज को मैं सिर्फ लिख देता हूँ, इसको इस तरह से चेक तुम करना। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, पिछले वीडियो में किस फॉर्म में लिखा था, इसी में लिखा था या कुछ और लिखा था, इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, 1 को अगर लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, एक ही बात है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। और हमने क्या देखा था, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, और इसका एक दूसरा फॉर्म था cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी आइडेंटिटीज हमारे पास है। तो हमारे पास 6 रेशियो हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा
और बाकी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है, देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ये इसको हटा दिया मैंने, अब यह जो आइडेंटिटी है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। सेक क्या होता था, वन बाय कॉस इज इक्वल टू, टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। एलसीएम अगर ले लेंगे यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा पूरे एलसीएम में आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमारे पास तीन ही साइड हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन ही साइड है। इसी को घुमा घुमा कर कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे किसी भी तरीके से लिखा जा रहा है, लेकिन बात उतनी ही है जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना। छोटी सी चीज़ को इतना लंबा बना दिया गया है, बहुत आसान सी चीज़ है ये। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो टीयर टू में शायद 2019 में आया हुआ है, ये टीयर टू 2019 हो गया। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री प्लस टू कॉस 43 डिग्री इंटू कोसेक 47 डिग्री इस। क्या करेंगे अब, कोई आइडेंटिटी यहां पे काम नहीं आ रही है। देखो एक छोटा सा ट्रिक लगता है यहां पे, एक मैं फिर से ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी और सी, ये एंगल मान लो हमारे पास है 64 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 26 डिग्री हो जाएगा, 64 प्लस 26 90 हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर हमने cos 64 डिग्री निकाला तो क्या आएगा, बेस, बेस होगा हमारा ए बी बाय ए सी, बी सी, बी सी हमारा हाइपोटेन्यूज है या बी सी, है ना। और वहीं अगर हमें साइन 26 डिग्री निकालना हो, साइन 26 निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल घूम जाएगा, है ना, ट्रायंगल को कुछ पलटाना होगा, ए सी इधर गिर जाएगा, ये बी ऊपर उठ जाएगा, तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का हो जाएगा। यह पॉइंट हमारा ए हो गया, ट्रायंगल अब रोटेट हो गया है, ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया और यह 26 डिग्री है ना। यह बी को उठा के यहां पहुंचा दिया और यह सी हमारा नीचे गिर गया, तो हमारा बेस यह है, यह बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 26 डिग्री जब निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो बी सी होगा ही, तो देखो दोनों बराबर है, कॉस 64 डिग्री और साइन 26 डिग्री दोनों सेम है ना, ए बी बाय बी सी यहाँ भी है, ए बी बाय बी सी यहाँ भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस 64 डिग्री इज इक्वल टू साइन 26 डिग्री, बोल सकते हैं ऐसा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से इस कॉस 43 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 90 माइनस 40 डिग्री, 43 डिग्री, साइन 47 डिग्री, है ना। ट्रायंगल्स को मैं मिटा दूं, हमारे मेन काम, मेन चीज हमें मिल गई है, ट्रायंगल की अब हमें जरूरत नहीं है, साइन कॉस मिल गया, ट्रायंगल गया, खत्म।
हमें ये cos 43 डिग्री की वैल्यू मिल गई है sin 47 डिग्री। अब मैं लिख देता हूँ, तो पहले हमारे पास है sin स्क्वायर 64 डिग्री प्लस ये sin 26 डिग्री, यहां पे जो इसके जगह cos 64 लिख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 64 डिग्री, है ना। ये cos तो रह गया, इस साइन के जगह मैंने लिख दिया कॉस 64 डिग्री इस इक्वेशन से, है ना। तो हमें मिल गया यहां पे कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस 2 इंटू क्या है कॉस 43 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन, चलो यहां लिखते हैं 2 इंटू साइन 47 डिग्री, है ना। cos 43 डिग्री इज इक्वल टू sin 47 डिग्री इन टू cosec 47 डिग्री, और cosec क्या होता था 1 बाय sin होता था, तो ये दोनों कैंसिल होके हो जाएगा 1, ये टूट कट गया, ये दोनों कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो यहां पे मिलेगा हमें पास 2। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब ये 64 हो या कुछ भी हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो हर हाल में 1 ही होता था, हमें मिल गया 1 + 2 × 1 = 3, ऑप्शन बी। बात समझ में आई। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आता है, टीयर 1 में भी आता है, टीयर 2 में भी आता है, हर सेट में आता है। यह नंबर सिर्फ बदलता रहता है, 43, 47, 26, 64, यह सब बदलते रहता है, नंबर बदलते रहता है, कहीं साइन होता है, कहीं कॉस होता है, कहीं टैन होता है, कहीं कॉट होता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों होता है ये हमने अभी देख लिया, अभी अभी हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होता है। ठीक है, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब अगली क्लास में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे इन सबको। और क्या हम लोग लिख सकते हैं, sec थीटा। sec थीटा क्या था, 1 बाई cos थीटा होता था, cos थीटा तो जो sin थीटा पे लागू होगा वही cos थीटा पे भी लागू हो रहा है, है ना। 1 बाय cos थीटा था यह, जो इसको 1 बाय sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, इसको cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हमारे पास सारे 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। और बस ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी के ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस आते जाते हैं। कभी कोई आइडेंटिटी लगती है, कभी कोई लगती है, और उन सब में सबसे आसान क्वेश्चन हमारा यही होता है। इस तरह के और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में।